स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग जो सॉल्व करने वाले, इसमें हमको बेंडिंग स्ट्रेस डायरेक्टली गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल। यूडीएल की इंटेंसिटी है कितनी है वो हमको कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर जो सेक्शन हमको गिवन है वो सेक्शन हमारा हॉलो सेक्शन गिवन है, ठीक है। तो देखो, उसका इंटरनल डायमेंशन एक्सटर्नल डायमेंशन देख लेते कितना है। अ कास्ट आयरन पाइप ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर, ठीक है। तो एक्सटर्नल डायमीटर कितना दिया है हमको, 800, और इंटरनल डायमीटर जो दिए है वो है हमारी 700 mm, ठीक है। तो यहाँ पर एक हॉलो सेक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे ये हॉलो सेक्शन है, एक एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल, ठीक है। तो इंटरनल डायमेंशन जो है वो हमारा 700 है, मतलब ये इंटरनल डायमेंशन, ये हमारा 700 mm इंटरनल डायमेंशन, और एक्सटर्नल डायमेंशन, ये एक्सटर्नल डायमेंशन, ठीक है, ये एक्सटर्नल डायमेंशन हमारे 800 mm है। एक्सटर्नल डायमेंशन 800, मतलब कैपिटल डी जो है वो 800 mm है और स्मॉल डी जो गिवन है वो है हमारा 700 mm, ठीक है। देन उसके बाद में आगे क्या बोले, सिंपली सपोर्टेड बीम है एट इट्स एंड्स बाय कीपिंग देम इन एंड बियरिंग हैविंग स्पैन ऑफ 7.5 मीटर। तो स्पैन जो दिया है हमको वो है 7.5 मीटर का, ठीक है। तो 7.5 मीटर का स्पैन ले लेंगे, ठीक है। फाइंड इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल, ये यूडीएल की इंटेंसिटी किलोन्यूटन पर मीटर अज्यूम कर रहे हैं, उसमें हमको कैलकुलेट करना है। दैट पाइप कैन कैरी बेंडिंग स्ट्रेस इन मटेरियल इज लिमिटेड टू 140 newton per mm square, ठीक है। तो बेंडिंग स्ट्रेस हमको गिवन है वो है 140 newton per mm square, ये हमको गिवन है, ठीक है। तो वही स्टेप हमको फॉलो करना है, बस फॉर्मूला यहाँ पे हॉलो सेक्शन है तो उसके लिए फॉर्मूला हमको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। देन देखिए, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, स्पैन 7.5 मीटर है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, WL² / 8, ये फॉर्मूला लगेगा। लेंथ की जगह हम लोग पुट अप कर देंगे, लेंथ कितना है 7.5 मीटर, ठीक है। तो ये ले लेंगे 7.5² / 8, W × 7.5² / 8, तो 7.5² / 8, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद में इसका आंसर जो आता है हमारा वो है 7.03, ठीक है, 7.03 ये आंसर आता है हमारा, 7.03, ठीक है। तो ये हो गया W × 7.03, ये काई में आ गया हमारा किलोन्यूटन मीटर में आ गया, ठीक है। तो अब ये किलोन्यूटन मीटर से इसको लेके काई में आना है हमको, तो न्यूटन mm में लेके आना है, ठीक है। तो न्यूटन mm में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, किलोन्यूटन को न्यूटन में लाना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 10^3। देन मीटर को mm में लाना पड़ेगा, उसके लिए अगेन मल्टीप्लाइड 10^3, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा हमारा 10^6, ठीक है। और आगे का डिजिट कितना है, 7.03, ठीक है, ये ले लेंगे 7.03 मल्टीप्लाइड बाय 10^6, 7.03 मल्टीप्लाइड बाय 10^6 W, ये आ गया हमारा न्यूटन mm में, ठीक है। उसके बाद में IXX, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा वेरिएशन आएगा क्योंकि ये हॉलो सेक्शन है, तो इसके लिए IXX का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पाई बाय 64 D^4 माइनस स्मॉल D^4, ठीक है। तो ये हो गया पाई बाय 64 कैपिटल D^4 माइनस स्मॉल D^4, पुट अप कर देंगे, पाई बाय 64 इंटू कैपिटल डी है हमारा 800 700^4, ठीक है। ये कैलकुलेट करेंगे हम और इसका आंसर जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो IXX का इसको कैलकुलेट करने के बाद में आंसर आता है हमारा 83.203 इंटू 10^8, ठीक है। ये आंसर आएगा 83.203 इंटू 10^8 mm^4, ठीक है। उसके बाद में Y कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसका अगर देखिए यहाँ सी जी, ठीक है, तो ये जो डायमीटर है इसका हाफ लेना पड़ेगा, कैपिटल D डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो कैपिटल D डिवाइडेड बाय 2, तो वो है हमारा 800 / 2, सो इट विल बिकम 400 mm, ठीक है। तो ये 400 mm आ गया हमारा वाई। देन उसके बाद में फ्लेक्सुरल इक्वेशन लेंगे, m/i = σb/y, ठीक है। यहाँ पुट अप कर देते हैं, ठीक है, m कितना है हमारा 7.03 × 10^6, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेंगे 7.03 × 10^6 मल्टीप्लाइड बाय W। देन I कैलकुलेट किया है वो है 83.203 × 10^8, ठीक है। तो ये पुट अप कर देंगे 83.203 × 10^8 डिवाइडेड बाय सिग्मा बी कितना है हमारा, तो 140 गिवन है हमको, तो 140 ले लेंगे σb, 140। देन उसके बाद में y, तो y हमने कैलकुलेट किया है, y है हमारा 400 mm, ठीक है। तो यहाँ पुट अप कर देंगे 400 mm, ठीक है। इसको हमको सॉल्व करना है कैलकुलेटर में पुट करके,
अगर एडवांस कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं हम लोग तो उसमें हमको सॉल्वर में जाके सॉल्व करना है या फिर शिफ्ट सॉल्व करना है ओल्ड कैलकुलेटर में और इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसकी प्रोसेस एक वीडियो हमने बनाया है, उसमें जो है इसकी पूरी प्रोसेस बताई गई है कि कैसे सॉल्वर का यूज़ करना है या फिर शिफ्ट सॉल्व का यूज़ करना है और न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ से W की वैल्यू जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद में W का जो आंसर आता है वो है 414.23 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि हमने जो अज्यूम किया था लोड को वो किलो न्यूटन पर मीटर, यूडीएल की जो इंटेंसिटी हमने ली थी वो किलो न्यूटन पर मीटर में ली थी, तो फाइनल आंसर हमने क्या किया किलो न्यूटन पर मीटर में जो है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो आ गया हमारा 414.23, ठीक है। तो ये सिंपल न्यूमेरिकल था, बस इसमें चेंजेस इतना था कि हॉलो सेक्शन हमको दिया हुआ था, ठीक है। एक्सटर्नल डायमीटर 800 mm, इंटरनल डायमीटर 700, यूडीएल था, यूडीएल की इंटेंसिटी हमको फाइंड आउट करनी थी, बेंडिंग स्ट्रेस हमको गिवन है 140 न्यूटन पर mm², स्पैन जो है वो 7.5 मीटर, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट किया, WL² / 8 ले लेंगे, ठीक है। लेंथ जितना है 7.5, उसका स्क्वायर ले लिया, डिवाइडेड बाय 8 कर दिया, यहाँ से m जो है वो किलो न्यूटन मीटर में आ गया, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया, न्यूटन mm में इसको कन्वर्ट किया, तो 10^6 से मल्टीप्लाइड कर दिया जो भी ये आंसर आया था उसको, ठीक है। तो ये हो गया 7.03 × 10^6 W न्यूटन mm, ठीक है। देन उसके बाद में हमको क्या लेना है, IXX लेना है, तो IXX के लिए फार्मूला π/64 d^4 - d^4 ये लेना है, तो यहाँ से IXX का आंसर आएगा 83.203 × 10^8 mm^4। देन Y कैलकुलेट किया तो हो जाएगा कैपिटल D डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये इसका सी जी यहाँ से लाई करेंगे, तो कैपिटल D डिवाइडेड बाय 2, सो इट विल बिकम 800 / 2 400 mm। देन उसके बाद में फ्लेक्सुरल इक्वेशन लेना है, MI = σV/Y, ठीक है। यहाँ पूरे वैल्यूज पुट अप करेंगे और W की वैल्यू किलो न्यूटन पर मीटर में जो है जो हमने पहले अज्यूम किया था उसमें हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा न्यूमेरिकल आता है जो हॉलो सेक्शन वाला न्यूमेरिकल है, तो ये स्टेप फॉलो करना है और ये न्यूमेरिकल को हमको सॉल्व करना है।